हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BSM किचन स्टूडियो। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि मॉड्यूलर किचन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली मॉड्यूलर किचन जो है वो 6 टाइप के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन मॉड्यूलर किचन होता है, सेकंड पैरेलल मॉड्यूलर किचन होता है, थर्ड एल शेप मॉड्यूलर किचन होता है, फोर्थ यू शेप मॉड्यूलर किचन होता है, फिफ्थ जो है वो पेंसुला या फिर आप जी शेप भी कह सकते हैं, और सिक्स जो है वो आइसलैंड मॉड्यूलर किचन होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन किचन कैसे बनेगा, पैरेलल किचन कैसे बनेगा, एल शेप किचन कैसे बनेगा, यू शेप किचन कैसे बनेगा, पेंसुला यानी जी शेप किचन कैसे बनेगा और आइसलैंड किचन कैसे बनेगा। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट लाइन मॉड्यूलर किचन है, ये सिंगल वॉल पर बनता है, यानी एक ही साइड की वॉल पर बनेगा, जिसमें आपका बेस किचन रहेगा, जिसमें आपका ट्रॉलीज वगैरह, ड्रॉवर्स वगैरह जो रहेगा, नॉर्मली आपको स्पून वगैरह, कटलेरी वगैरह रखने के लिए, थाली प्लेट्स वगैरह रखने के लिए नीचे उसमें ड्रॉवर बनता है, और टॉप में जो है वो कैबिनेट लगेगा जिसमें आपका स्टोरेज वगैरह आएगा। अगर आपको स्पेस है आपके पास और अदर स्टोरेज भी आपको रखना है तो आप इसमें ओवरहेड स्टोरेज भी बना सकते हो जो कैबिनेट के ऊपर लगेगा। और इसमें जैसे मोस्टली सिंक है, कुकटॉप वगैरह, ये सब आपका ओवन, माइक्रोवेव, मिक्सर वगैरह यूज़ करना है, वो एक ही प्लेटफॉर्म रहता है, उसमें सेकंड साइड प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। सेकंड साइड में आप डाइनिंग वगैरह भी यूज़ कर सकते हो इसमें। तो ये दिखने में जैसे जो स्ट्रेट लाइन किचन जो है वो एकदम बहुत ही लग्जरियस किचन लगता है। ये आप ओपन में भी कर सकते हो, यानी लिविंग के साथ इसको अटैच भी कर सकते हो, या किचन में भी अपन एक साइड की वॉल में इसको कर सकते हैं, और दिखने में जो है एकदम काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और एकदम लग्जरियस लुक में लगता है। फ्रेंड्स, ये जो किचन है ये एल शेप किचन है, आपको इसके नाम से ही ये पता चल गया होगा कि ये एल आकार का होता है। बेसिकली ये दो साइड के वॉल पे बनता है, इसमें आप सर्विस प्लेटफॉर्म और कुकिंग प्लेटफॉर्म भी अलग अलग दोनों यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा स्टोरेज वगैरह जो है वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ में मिलता है, और ये एल शेप जो किचन है उसका मोस्टली आप देखोगे तो ब्लाइंड कॉर्नर बनता है, तो वो कॉर्नर के लिए भी सॉल्यूशन है, उसमें मैजिक कॉर्नर, स्विंग कॉर्नर भी आते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा धुल लुक देता है, प्लस इसमें जो एरिया जो है वो अपना स्ट्रेट किचन से थोड़ा ज़्यादा यूज़ में मिलता है, क्योंकि इसमें दो वॉल मिल जाती है अपने को, तो इसलिए उसमें यूज़ वाइज भी देखोगे तो एल शेप में थोड़ा ज़्यादा यूज़ मिलेगा आपको। और इसके कैबिनेट के लिए भी कॉर्नर इंजिस वगैरह जो आते हैं वो भी, प्लस आप अच्छे तो एल की वॉल में एक अच्छे से माइक्रोवेव वगैरह यूनिट वगैरह भी बना के एक अलग से स्पेशली कर सकते हो, जो स्ट्रेट लाइन में करने से थोड़ा अपना प्लेटफॉर्म छोटा होता था, इसमें दोनों साइड वॉल होने से आप एक साइड माइक्रोवेव ओवन वगैरह रखने के लिए भी एक यूनिट बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये पैरेलल मॉड्यूलर किचन होता है, पैरेलल मॉड्यूलर किचन यानी आमने सामने दो वॉल पे किचन बनता है। एक वॉल पे मेन प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें आपका सिंक है, कुकिंग वगैरह होगा, सेकंड साइड आपका सर्विस काउंटर होगा, यानी जो भी आप खाना वगैरह बनाते हो वो सर्विस काउंटर पे आप अरेंज कर सकते हो। और ये काफ़ी एट्रेक्टिव लुक में लगता है, और इसमें स्पेस भी एल किचन से ज़्यादा स्पेस आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड की वॉल में ये बनता है, बेस में भी बनेगा प्लस ऊपर कैबिनेट भी बनेगा, तो ऑलवेज यूज़ में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो किचन है ये यू शेप का है, यानी नाम से ही अपने को पता चल जाता है कि ये यू आकार का है। इसमें तीन वॉल यूज होती है किचन की, तो ये यू शेप में बनता है, और इसमें एरिया जो है वो काफ़ी बड़ा लगेगा किचन का आपको, विड्थ में प्लस लेंथ में भी इसमें एरिया अपने को बड़ा लगेगा, तो ये भी किचन काफ़ी एट्रेक्टिव लुक में है, और हाई स्टोरेज वगैरह जो है उसमें काफ़ी मिलेगा आपको स्टोरेज, क्योंकि ये जो साइज़ में भी बड़ा रहेगा तो आपको यूज़ करने में भी अच्छा रहेगा। प्लस ये जो किचन है इसका मेन एडवांटेज है कि आपको तीन प्लेटफॉर्म यूज़ में मिलता है, कुकिंग प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, फिर एक साइड आप अपना इलेक्ट्रिक वगैरह यूज़ करना है उसके लिए भी बेटर है कि आप एक साइड के प्लेटफॉर्म में भी ये प्रोविज़न करके रख सकते हैं। आइसलैंड किचन है, इसमें मोस्टली क्या होता है कि बीच में एक काउंटर बनता है अलग से, तो उसको अपन आइसलैंड किचन कहते हैं। लेफ्ट राइट में या तीन साइड यू शेप जैसा एक किचन बनेगा और बीच में एक काउंटर बनेगा, उसको अपन आइसलैंड किचन कहते हैं, और ये लुक में भी काफ़ी अच्छा आता है। प्लस इसमें जो है आप बीच में जो प्लेटफॉर्म रहेगा उसके साथ आप चाहिए तो एक डाइनिंग भी अटैच कर सकते हैं, और इसमें जो किचन का जो स्पेस है वो यू शेप से भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसमें यू शेप में क्या था कि तीनों साइड ही बनता था, बट इसमें एक बीच में भी मिडल में एक प्लेटफॉर्म बनता है, उसके लिए किचन का स्पेस थोड़ा बड़ा होना चाहिए।
फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने जितने भी किचन देखे हैं उनसे सबसे बड़ा जो किचन रहता है वो जी शेप किचन रहता है, यानी पेंसुला किचन रहता है। ये लुक में भी एकदम काफ़ी अच्छा लग्जरी लुक आता है, क्योंकि इसका शेप वगैरह देखिए, इसका साइज़ देखिए तो वो काफ़ी बड़ा रहता है, और ये लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा रहता है। और इसमें स्पेस जो है वो अपने को थोड़ा बड़ा लगता है, बट किचन का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, इंटीरियर के रिगार्डिंग आप कोई भी टॉपिक के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की भूल हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।